ਆ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਉੜਾ ਆੜਾ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਅਗਰ ਇਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਏ ਸਾਈਡ ਬੀ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਅੱਠ ਗਾਣੇ ਚ ਅੱਠ ਗਾਣੇ ਚ ਕੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟਸ ਆ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੋ ਭਰੀ ਪਈ ਏ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਜੇ ਆਹ ਨਾਗ ਸਰਜੀਤ ਬਿੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਪਿਆ ਇਧਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸਟ अपने तीन आईडिया का फेसबुक इंस्टाग्राम से यूट्यूब के अकाउंट से आईडी का लिंक पाया हुआ डिस्क्रिप्शन जल्द जल्दी फॉलो करो उसे जाके अपने लिंक नो खोलो तो जाके मैं डीएम करो मैसेज करो हाँ जी सत श्रीकाल जी की हाल चाल ठीक ठाक सारे जने स्वागत है जी एक बार फिर थोड़ा जुगनाम गड़े यूट्यूब चैनल पर अज अपने को बहुत ज़्यादा सारा स्टॉक म्यूजिक कैसेट्स का ऑडियो म्यूजिक कैसेट्स कितनी वधिया लगदी ये विशिया घेंट है ना काम हूँ मेहनत लाई रहे पूरी 85 है निकी जी टेबल से 85 यार जिदन पहले दिन मैं अकाउंट बनाया ना एक बंदे का मैसेज आया कहिंदा यार थोड़ी शॉप कित्थे आ मैं पहले तो हसया माड़ा जिहा मैं यार शॉप तो है नहीं भी ट्रेंड के हिसाब से बंद करती सी घर दे कहिंदे आई नहीं कहना सी आई नहीं प्रशति दी आ साडी शॉप मतलब सारा जिन्ना भी स्टॉक है प्रशति दी रख्या हुआ हुण भी हुण लाया सीगा थल्ले ते हुण टाइम हो रहा राइट नाउ 4 अज घर दे घरे है नहीं सी ते हुण असी कुछ खाण पीण नूं लै गए खा पी के चाह चू पी के फिर मिलदे मैं तुहानूं फिर सारा स्टॉक दसदा भी की गलबात आ तो यार हाँ जी हूँ मैं थोड़ा सारे मतलब स्टॉक की इनफॉर्मेशन दिना भी की गलबात है की प्राइस है तो सब तो पहला तो यार मैं थोड़ा दिखा दा क्योंकि वीडियो जज नहीं होंगे हूँ भी इतने कि कुछ पे मतलब की कुछ है तो मैं यार सब तो पहला थोड़ा दिखा दिना भी अज अपने को इन्ना क स्टॉक है मतलब आह वीडियो मैं थोड़ा दसूंगा सारा ये बारे इंट्रोड्यूस कराऊंगा भी कितने की है कितने की है आह जो दो कैसेट्स आ मतलब आह जिड़िया थले सारिया फिल्मों के गाने हैं आ इधर हरभजन मान दियाँ इधर रविंद्र ग्रेवाल सर दियाँ इधर कुलदीप मान दियाँ मतलब सारिया ये मैं अड अड करके रखी मसा तो बाकी सारिया इतने मिक्सर आ गुरदास मान दियाँ सारिया थले जिन्या भी है इधर ये सारिया अड अड है ये सारिया कोलैबरेशन आ जिदा कि यार नवे साल से है ना न्यू ईयर का कोई फंक्शन हों मतलब आर्टिस्ट मैं थोड़ा दिखा दिना एक दो ये सारिया कोलैबरेशन आ मतलब कट्ठे होकर गाने गाँव जो सारे सुरेंद्र शिंदा सर दियाँ इधर मुहम्मद सदीक सर दियाँ सारिया जिन्या भी थले सुरजीत बिंद रखिया सर दियाँ सारिया इधर जैजी बी दियाँ सब तो ज्यादा ने कैसेट्स इधर हरजीत हरमन सर दियाँ इधर गिप्पी गरेवाल प्लस दलजीत दसांझ शर्मिला मिक्स ही आ सिप्पी गिल इंद्रजीत निकू से पंजाबी विरसा कमल हीर ते मनमोहन वारिस सर तो बाकी यह हैगी पंजाबी डायरेक्टरी इनू भी मैं थोड़ा दसदा की चीज़ है यह इधर जैजी बैंस से भगवंत मान सर तो यार जिहड़ियां आह कैसेट्स ना इन्हां कैसेट्स की जिहड़ी मंग आ मतलब सारिया कैसेट्स तो ज़्यादा गी क्योंकि यार ये हैगियां कवालियां तो मतलब गज़लां दी कैसेट्स आ यह हजे तीन ही निकलियां और हजे मैं दो पेटियां जिहड़ी पिछे पईआं ना वो हजे पूरी फ्रोलिया भी नहीं मतलब मेन मेन जी एक बार मैं दिखाने कटियां सी मतलब तुम ला लो प्राइस भी हाई है बाकी नो ए उस टाइम से 100-150 की एक होंगी सी कैसेट हूँ तुम देख लो भी साल बाद बनया होगा तो हले आ डब्बे खाली नहीं हो मैं तुम्हें यह भी दिखा दें भी भरे पाए हैं इस तरह लगता ऑडियो सीडी का हले बहुत इधर भी है समान थोड़ा बहुत क्यों भरी पई है हजे तो यार तुम ला लो मतलब यहोजियां अपने को 9-10 पेटियां पईया प्रशक्ति उपर जिदा मैं थोड़ा पिछले दसिया साइज दियां नेगियां ये सब तो छोटिया जिहड़ियां वो मैं ता ला के लिया भी ईजी आ थोड़ा जहाँ मतलब दिखा करना समान मतलब एक तो छोटिया कैसटा मतलब एक पेटी का एडी आ वो तुम ला लो भी 900-1000 कैसट आ जाती है तो तुम आपे हिसाब ला लो भी कि स्टॉक पिया हजे साढ़े कोई पैक्ड ने कई खुलिया ने खुलिया मतलब आए नहीं भी यूज़ कितिया भी ने जो कागज होंगे ना
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਲਿਕਸ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਹਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਦਰਜਜਵੀ ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਹ ਬੱਬੂਮਾਨ ਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਸੇਲ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਨਣ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਕਡ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲਬਮ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਲਿਰਿਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੱਬੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਗਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਨਾ ਛਣਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਿਕਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਰੋਮੀਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਭੀ ਬੋਕਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੈਜੀਬੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਚ ਕੇ ਐਲਬਮ ਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਭੰਗੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਸਾਈਡ ਏ ਸਾਈਡ ਬੀ ਆਹ ਨਾਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਗ ਜਾਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਨਾਗ ਬੰਨ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆਏ ਆ ਆਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੈਸਟਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਕੈਸਟਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਲੁੱਕ ਲੰਡਨੋ ਪਟੋਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲਿਕਸ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੈਜੀਬੀ ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਸਟਸ ਵੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਭੁੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਆਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਹ ਜੀ ਰੈਂਬੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਪਰ ਗਾਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸੋ ਆਹ ਸੁਰਮਾ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੀ ਕੈਸਟ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੈਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸਟਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੈਜੀ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪਏ ਆ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਹਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਫਰੋਲੀ ਨੀਗੀ ਮਤਲਬ ਬੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਕ ਫਰੋਲਣ 'ਚ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਨ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੋਮਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਪ ਸੋ ਯਾਰ ਉਹ 'ਚ ਚਮਕੀਲਾ ਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਰਿਵਿਊ ਰਿਵਿਆ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਖੋਲੂੰਗਾ ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਸੋ ਯਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਸਰ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ
कई हरभजन साहब च भी बहुत इंटरस्टिड ने, अपने अपने पसंद होंगे सारे की है ना, कुछ आप नहीं कह सकते भी हाँ वधिया ने माड़े ने, सारे अपने अपने थान से ठीक ने। इधर गुरदास मान साहब, मान साहब न भी सुनने वाले बहुत ज्यादा ने। इश्क दा गिद्दा रविंदर गरेवाल सर, ये तो मतलब अज के टाइम से भी आते हैं गाने वधिया। आ कैसे नहीं मिलनी तुम्हें कितों भी, अपने को आर्टिस्ट भी पाए जे अज के टाइम से भी पूरे मतलब छाए हुए हैं, जिदा दलजीत दसांझ। दलजीत दसांझ जी ने मतलब मेरे को फस्ट कैसेट पई है, मतलब फस्ट एल्बम जो कढ़ी से उन्होंने इश्क दा उड़ा उड़ा, वह मतलब इतने कि पई है। जे मैं लभ गई मैं हम थोड़ा दिखा देना, नहीं तो थोड़ा नैक्सट वीडियो मैं थोड़ा जरूर दिखाऊंगा। मतलब यकीन नहीं करना भी उही है, एड्डी सारी पग वी सारी पग मूह निकल जा, मतलब समझो कि इतने फिर भी थोड़ी बहुत पछाण आ रही है भी हाँ दलजीत दसांझ है। इधर गिप्पी गरेवाल, इधर मतलब इंद्रजीत निकू, इंद्रजीत निकू दियाँ भी है कैसटा काफ़ी। इधर पंजाबी विरसा, पंजाबी विरसा भी सुनने वाले बहुत ज़्यादा बैठे आ हजे, ये 2004 आ पंजाबी विरसा 2004, अपने को 2000 तो 2008 तक पिया ही होना सारा स्टॉक। हरजीत हरमन सर, इधर आह कवालियां है सारिया जा गज़लों ला लो तुम, गज़लों भी है बिच सॉरी। आ पई दलजीत दसांझ साहब की लभ चुकी है, ये आ सब तो पहली कैसट, ध्यान ना रखो लग रहे हैं किसी पासों, मतलब उस टाइम तो वधिया लगते हो गए, पर जे आप अज के जमाने वेखिए तो कि पिछे सारे गाने एक होर लभ गई, इश्क इश्क हो गया पिछे, आ लुक काफी वधिया। आ हुण वेख लो यार, पहला ना लाइट के चक्कर सही नहीं दिखिया दलजीत दसांझ दियाँ, और सब तो पहली कैसेट आ इश्क दा उड़ा आड़ा, पिछे सारे सोंगस चार साइड ए च चार साइड बी च। इधर समाइल, ये भी स्टॉप करके देख लो जो किसी ने देखनी है, तो मैं तो वीडियो करके तेज जा रहा हूँ। इधर मेरे लगता चार गाने है, बड़ा नहीं पता मैंने बई कोई जज ना करे, इधर भी साइड ए साइड बी चार चार गाने, अठ गाने अठ गाने इत शायद चार गाने है, काफ़ी गाने आप सुने भी होने इन चो अज दा पिया पगं पोछनिया, यहाँ मतलब अज भी हरेक विह चलता अलड़ा कुवरिया, ये भी गाँव हरेक विह चलता डाका भी चलता नच दी दे, काफ़ी सुने भी होंगे बाकी अपन कई ना ना नहीं पता होंगे। जे इन्ना च भी कोई इंट्रस्टिड है तो दलजीत दसांझ दियां भी वाधू पईआं कैसटा, बाकी इन्ना क स्टॉक आप दिखा ला अज तो यह होंगी है पंजाबी डायरेक्टरी यार, ये ना थोड़ी जी मतलब उखड़ी पई है तो पुरानी काफ़ी, ये 1998 में पबलिश हुई सी सुतार के उदों दी है, ये मतलब फोर्थ पार्ट आ फोर्थ एडिशन है ये ना, जिन्हें भी सिंगर आ उस टाइम के ज उदू पहलों के सारी इनफोरमेन इस बुक में दिती हुई है, जिदा करमजीत अनमोल सर की सारा कुछ थले लिखा हुआ की गलबात आ, इन्हों के कैसेट्स लिखिया भी कि आईया सी हिट गीत लिखिया, तो थोड़ी बहुत इनफोरमेन लिखी इन्हों की लाइफ जर्नी बारे जो भी है या सिंगिंग बारे, जय जी बैन सर जिदा मैं पहला दिखाए थे इन्ह दिन मतलब सारिया हिट कैसटा लिखिया हुई, कुगियां का जोड़ा हट पिछे लंडन पटोला मैं थोड़ा कैसेट दिखाई से इतनी पई होनी है, ये लोग काफ़ी घेंट सी यार इन्हों लंडन पटोला, जिदे मैं पढ़ी ना मैं आपू इन ज़्यादा नॉलेज मिली ना मैडम जी बहुत लग गया भी पढ़ने भी सारे आर्टिस्टा ने ना मतलब जान के लाइफ स्टोरी जी मज़ा आ जाता पता लगता भी हाँ इन्होंने कि स्ट्रगल किया कि भी ये मतलब इतने लिखा हुआ भी 1998 में पब्लिश हुई थी उदों का लिखा भी जे जी बी सर 8 साल की उम्र में कनेडा चले गए थे उतों म्यूजिक स्टार्ट किया इन्होंने, बाकी मैंने पता नहीं कि सही गल आ वैसे सच ही लिखे होना जी इतने मतलब उस टाइम तो इन्हों का दफ्तर वगैरह सारा कुछ दिता हों एड्रैस वगैरह नंबर वगैरह जे कॉन्टैक्ट करके तुम मतलब शो वगैरह लगाने इन्हों के सारा कुछ दस्या हों दफ्तर नकोदर चौंक अवतार नगर रोड जलंधर, सो चलो अज तो यह एड्रैस पुराने हो गया अज तो कुछ नहीं होना उत्थे, भगवंत मान सर दियाँ कमेडी कैसेट्स करते ऑडियो कैसेट्स आ सारिया इन्हों दी गोभी दी कच्ची व्यापार ने कुल्फी गर्मा गर्म यह तो सुनी होगी तुम मिठिया मिर्चा बोल मदारी बोल कोको दे बच्चे दो दुनी भी मतलब सारिया ना भी फनी फनी जी है, अरविंदर गरेवाल सर भी काफ़ी लिखे प्लस टू ही मतलब गाउन लग पे थे। सो जे हुण तुहानू यार ब्लॉग वधिया लग्या लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ, गां आपां नैक्सट पार्ट जरूर लैके आवांगे, तद तक लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, थले तिने आईडिया दे लिंक मैनशन किया उत्थे जाके भी फॉलो सबसक्राइब कर लो, मेरी परसनल आईडी भी हैगी इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊ उत्थे जाके भी फॉलो कर लो। तो इधर अपने को ऑडियो कैसेट्स भी पईआं ने, पंजाबी विरसा वेखो होर पिया इधर, आ देखो जसविंदर बराड़ अजकल मतलब काफ़ी नाम चल रहे हैं, गिप्पी गरेवाल सर अख लड़ गई, इधर थोड़ा जहा फनी समान पिया है ना, गज़लां गुज़लां पईआं इधर गज़लां कवालियां सारा कुछ पिया पिया, देखो ये मतलब सब तो ज्यादा विकन वाला समान। तो प्राइस दस दिना मैं थोनू, एक कैसेट 200 रुपीज की है, आह जो मेन आर्टिस्ट आ ये 200 की है, मतलब जेडे ला लो भी इन्हें अपन पता नहीं गए जानते नहीं जिन्हों और जिन्हें की आई उन्ने की दे देंगे आप, मतलब उस टाइम तो ला लो 50-60 रुपए की होंगी सी कैसेट, बाकी हूँ जिदा आह आर्टिस्ट आ जज बी वर्ग आर्टिस्ट आ इन्हों यार कौन नहीं जानता किन्ने हिट आर्टिस्ट आ, सो करके 200 रुपीज़ की एक कैसेट आ, जो थोड़ा लगता ना प्राइस ज्यादा
ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਊਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਜੀ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਕ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ 10 ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਕ 150 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ।